इंदौर में एरोड्रम थाना क्षेत्र में देर रात गोली चलने की घटना सामने आई है। गोली से एक निगम कर्मी के घर पर चलाई गई थी, जो कि खिड़की में लगी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र छोटा बांगरदा रोड स्थित सृष्टि पैलेस की है। यहां रहने वाले निगम कर्मी जितेंद्र चौहान के घर पर रात 2 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई तो दूसरी मंजिल पर लगी खिड़की पर लगी। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए, जिसकी जानकारी जितेंद्र ने पुलिस को दी, जिसके बाद तुरंत CSP जयंत राठौर मौके पर पहुंचे। ये जितेंद्र चौहान है, सृष्टि पैलेस में रहते हैं। इनके द्वारा अभी 100 नंबर पे सूचना दी गई थी कि इनके यहाँ किसी व्यक्ति ने गोली चलाई है। उसी बात को लेकर यहाँ जाँच की जा रही है। इनकी खिड़की का एक कांच टूटा है, थोड़ा टूटा है, उसमें इनके द्वारा एक ब्लड दी गई है। और इनके द्वारा बताया गया है कि रात को 1 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ने फायर किया है। सर, कितने फायर हुए हैं सर अभी तक? एक सिंगल फायर, एक गोली चलने का इनके द्वारा बताया गया है। इसकी जांच की जा रही है, प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। बताया जा रहा है कि जितेंद्र चौहान एक जानलेवा हमले के मामले में गवाह है, जिसे गवाही नहीं देने के लिए पिछले दिनों धमकी भी मिली थी। इस वारदात को उसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।